अच्छा बेटा, हम लास्ट क्लास में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे थे, तो अब हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अल राजी के कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे, अब आज हम देखते हैं अल बैरूनी के बारे में। अच्छा, अल बैरूनी साहब ने क्या क्या किया? तो सबसे पहला काम जो इन्होंने किया, ही मेजर सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरकमफेरेंस मालूम किया था। सरकमफेरेंस क्या होता है पता है बेटा आप लोगों को? कोई बता सकता है मुझे सरकमफेरेंस के बारे में? बेटा सरकमफेरेंस के बारे में कोई बता सकता है? अच्छा, बेटा सरकमफेरेंस के बारे में कोई बता सकता है? बेटा किसी का माइक, जी बेटा, तो सरकमफेरेंस के हवाले से मुझे एक जवाब मिला कि सर सरकमफेरेंस जो है वो सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है। बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया। तो अब मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये जो मैंने सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाया ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। तो अब कोई इंसान मिसाल के तौर पे यहां पर खड़ा है, इस जगह से वो शख्स ट्रेवल करना शुरू करे और पूरे अर्थ के ऊपर इस तरीके से एक चक्कर लगाए, और जितना उसने फासला कवर किया होगा यहां से चलकर वापस घूम के यहां तक आने में, उस फासले को हम क्या कहेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो अलबैरूनी वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने अर्थ का सरकमफेरेंस मालूम किया था। अब किसी के जहन में अगर बात यह आए कि सर तो क्या उन्होंने पूरी अर्थ का चक्कर लगाया था, तो बेटा नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी अर्थ का चक्कर लगाया था। उन्होंने कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल सॉल्यूशंस के जरिए ये काम किया था, ठीक है। ये इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके अलावा इन्होंने और क्या काम किया? ही मेजर्ड लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेजर किया। अच्छा, अब ये लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है सर, और ये क्यों मेजर हुआ? तो बेटा लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेसिकली अर्थ पे मौजूद इमेजिनरी लाइंस हैं, सर लेंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ नहीं आया, दोबारा समझाइएगा। हाँ बेटा बता रहा हूँ, अभी तो मैंने इसको समझाया ही नहीं। अब अगेन मान लो मिसाल के तौर पर ये अर्थ है, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया है, अर्थ पर टॉप टू बॉटम इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस बनाई, ठीक है। टॉप टू बॉटम इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस बना दी है साइंटिस्ट ने। और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली भी उन्होंने इमेजिनरी लाइंस बनाई है। अर्थ पर,
अच्छा ये जो लाइंस है ना, ये इमेजिनरी है, कोई असली में ऐसा नहीं है कि अर्थ के ऊपर पेंट ब्रश से लेकर शुरू हो गए पूरी दुनिया पे निशान लगाने के लिए, ये इमेजिनरी लाइंस बनाई है। अच्छा अब देखो, इन इमेजिनरी लाइंस के बनने के बाद अर्थ जो है वो छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस में डिवाइड हो गई, इस तरीके से, इस तरीके से छोटे 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 स्मॉल बॉक्सेस में डिवाइड हो गई बहुत सारे। तो इसको कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको कहा जाता है लेटिट्यूड। तो ये काम सबसे पहले किया था अलबेरूनी साहब ने, और उन्होंने इसकी मेजरमेंट दी थी। अच्छा अब सर इससे फायदा क्या है? बेटा इससे फायदा ये है कि अभी तो हम देखो शहर में रहते हैं, तो शहर में तो हमारे पास जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं तो रास्ते में आप लोगों ने देखा होगा साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं जो ये बताते हैं कि आप मिसाल के तौर पे सीधे हाथ पे मुड़ेंगे तो गुलशन इकबाल पहुंच जाएंगे, उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे तो सदर चले जाएंगे, इस तरीके से साइन बोर्ड होते होंगे, होते हैं, आप लोगों ने ट्रेवल करने के दौरान कराची में मुख्तलिफ जगह पे देखा भी होगा, उन्हें कहते हैं हम साइन बोर्ड, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देखो, समंदर में जब जहाज ट्रेवल करते हैं और समंदर में, आसमानों में जब जहाज ट्रेवल करते हैं तो समंदर या आसमान में तो कोई इस तरह के साइन बोर्ड नहीं होते ना, और यहाँ तो हमारे पास प्रॉपर रास्ते बने हुए हैं शहर के अंदर, रोड्स बने हुए हैं, तो हम रोड्स पे पता होता है हमें कि यार हम यहाँ से सीधे हाथ पे मुड़ेंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, हमें पता होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमें समंदर या हवा में सफर करना है, तो बेटा समंदर या हवा में तो रोड्स नहीं बने हुए होते। अब हमें पहुंचना है मिसाल के तौर पर समंदर के जरिए दुबई, ठीक है, दुबई पहुंचना है हमें समंदर के रास्ते से, और पता चला हम समंदर में जहाज लेके निकले, लहरों के थपेड़े पड़े और हमारा जहाज कहीं का कहीं चला गया, हमें डायरेक्शन का थोड़ी पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि समंदर में तो सिर्फ समंदर नजर आएगा, आगे पीछे हर जगह कोई खुशकी थोड़ी नजर आने वाली है। तो ये जो समंदरी जहाज या हवाई जहाज जब सफर करते हैं बेटा, तो ये अपना रास्ता बनाने के लिए, रास्ता पहचानने के लिए, रास्ता नापने के लिए इसी लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई जहाज मिसाल के तौर पे समंदर में खो जाए और वो अब हम हमारा उससे रापता हो, वो हमसे मदद मांगे कि भाई आकर मेरी मदद करो, मैं खो गया हूँ कहीं, ठीक है, वो आकर हम वो हमसे मदद मांग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मदद उसकी किस सूरत करेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे? अब इतना बड़ा समंदर है, इतने बड़े समंदर के अंदर हम उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो अब वो फिर क्या, ऐसी सूरत में क्या होता है कि हमें लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया जाता है। अब हर लेटिट्यूड लाइन और हर लॉन्गिट्यूड लाइन का अपना नंबर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो पहली वाली लाइन है, ये वाली पहली वाली लाइन, इस पहली वाली लाइन का लेटिट्यूड का नंबर है फॉर एग्जाम्पल 1, और दूसरी वाली लाइन का नंबर है 2, ठीक है। और ये जो बीच में लाइन नजर आ रही है लॉन्गिट्यूड की, ये मान लो इसका एक का नंबर है 3 और एक का नंबर है 4। अब मान लो वो जो शख्स फंसा है वो इस वाले डब्बे में फंसा है, ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस वाले डब्बे में फंसा है, तो इस वाले डब्बे का ये नंबर क्या है, ये नंबर है 1, ये नंबर है 2, और ये वाला नंबर है 3, ये वाली लाइन का, और ये वाली लाइन का नीचे वाली लाइन का नंबर है 4। तो ये अपना एड्रेस पता है कैसे बताएगा? ये एड्रेस ऐसे बताएगा कि 1 2 बाय 3 4, ये अपना एड्रेस इस तरीके से बता देगा। अब जब इसने अपना एड्रेस इस तरीके से बताया ना, तो अब मैं पूरे अर्थ के ग्लोब पर देखूंगा कि 1 2 और 3 4 लाइंस कहाँ पर आ रही है, 1 2 किसकी, लेटिट्यूड की, और 3 4 लॉन्गिट्यूड की। अब मुझे पता चल जाएगा भाई अर्थ पर ये इस जगह पर आ रही है, तो इसका मतलब ये जो बंदा अपने जहाज के साथ फंसा है ना, ये इसी जगह पे कहीं फंसा हुआ है, तो मैं जाकर इसको रेस्क्यू कर लूंगा। तो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो इन्होंने कैलकुलेशन की थी उससे ये आसानी हुई। बात समझ में आ रही है बेटा मेरी? बेटा बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। अब इन्होंने और क्या काम किया कि मेजर डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ चीजों की डेंसिटी इन्होंने पता की, ठीक है, मुख्तलिफ चीजों की डेंसिटी इन्होंने अलबेरूनी साहब ने पता की,
मुख्तलिफ चीजों की। डेंसिटी क्या होती है सर? बेटा डेंसिटी एक कैलकुलेशन है हमारे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब मान लो अभी आपके हाथ में मिसाल के तौर पे एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर की डेंसिटी मुझे मालूम करनी है। मान लो ये रहा रजिस्टर, ठीक है, इस रजिस्टर की मुझे क्या मालूम करनी है, डेंसिटी मालूम करनी है। डेंसिटी मालूम करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले इस रजिस्टर को उठाकर मैं तराजू पर रखूंगा और इसका वजन निकालूंगा। मान लो वजन आया इस रजिस्टर का 40 ग्राम। अब इसका वॉल्यूम भी चाहिए, तो वॉल्यूम निकालना कौन सा मुश्किल है, यहां से यहां तक की लेंथ मेजर की स्केल से। मान लो लेंथ आई 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक उसकी हाइट मेजर की, मान लो हाइट आई अगेन 2 सेंटीमीटर। अब रजिस्टर की अपनी कोई चौड़ाई भी तो होगी ना, पेजेस भी तो होंगे ना इस तरफ, तो हमने उसको भी मेजर किया। मान लो इस तरफ वो उसकी चौड़ाई है, वो आई 1 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये बचपन में पढ़ चुके हो। तो क्या करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 4 1 4। अब क्या करो, इस मास को, जो इस रजिस्टर का मास आया कितना आया, 40 आया, 40 को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो जो कि आया है 4, 4 1 4, 4 10 40। तो इस रजिस्टर की डेंसिटी क्या आ गई, 10। ये है डेंसिटी, समझ गया बेटा? जी अच्छा, इसके बाद ही गिव आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिटीज बाय सॉइल ऑफ रिवर। अच्छा देखो, पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो दरिया और समंदर के किनारे रहते थे, क्योंकि पानी जो है ना वो ह्यूमन लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन दरिया और समंदरों के किनारे रहने में एक परेशानी ये थी कि दरिया या समंदर में जरा सा भी बहाव बढ़ता था ना पानी का, तो वो जो बस्तियां आबाद होती थी उसके किनारे वो डूब जाती थी, और जमीन की दरिया के पानी की वजह से ना वो जमीन सॉफ्ट भी बहुत हो जाती थी, तो जमीन पानी में धंस भी जाया करती थी अक्सर, ठीक है ना। तो अलबेरूनी ने मट्टी की एनालिसिस से हमें ये बताया कि किस दरिया के किनारे घर बनाना चाहिए, किस दरिया के किनारे घर नहीं बनाना चाहिए, और किस तरीके से मतलब बनाए, यानी कि घर बनाना सिर्फ नहीं है और घर बनाया जाए तो घर बनाया कैसे जाए, ये इन्होंने बताया। बात समझ में आ रही है? बेटा बात समझ में आई? बेटा यस सर ठीक जी। है बेटा, तो आज के लिए सिर्फ यही एक कंट्रीब्यूशन है हमारे पास, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी।